पिछले दो महीने में गाजा और तितली के बाद एक और चक्रवाती तूफान देश के पूर्वी तट पर दस्तक दे रहा है। चक्रवाती तूफान पेथाई देश के दक्षिण पूर्वी तट पर अगले 36 घंटों में टकरा सकता है। इसके लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठा कम दबाव का केंद्र शनिवार को चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और अगले 36 घंटे में तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 17 दिसंबर को ओंगोल और काकीनाडा के तट से टकरा सकता है। पिछले दो महीने की बात करें तो पेथाई इस क्षेत्र में आने वाला तीसरा तूफान है। इससे पहले तितली और गाजा काफी तबाही मचा चुके हैं। नवंबर में आए गाजा तूफान ने 45 लोगों की जानें ले ली थी और करीब 1.17 लाख घरों को तबाह कर दिया था। वहीं अक्टूबर में आए तितली तूफान ने ओडिशा में 57 लोगों की जान ले ली थी। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान की वजह से 16 से 18 दिसंबर के बीच ओडिशा के तटीय इलाकों में सामान्य से तेज बारिश हो सकती है। तीनों राज्यों के मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की हिदायत दे दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही उत्तर की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात आने के पहले तटीय इलाकों में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ सकता है। फिलहाल समंदर में मछुआरों को लौटने के लिए कह दिया गया है।